गुड मॉर्निंग पारस, मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, स्लाइड देख पा रहे हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है, एक एक दो मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है पीपीटी, जिसमें फर्स्ट जो होगा आपका सर्विंग। यस सर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फास्ट रिव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का, उसके बाद आज का जो टॉपिक है आपका वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल को अगर आपने नहीं समझा, आज थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझने में। ठीक है, अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सर्विंग की डेफिनेशन, जिसमें रिलेटिव पोजिशन अर्थ के सर्फेस पे हम मेजरमेंट करते हैं। उसके दो प्रिंसिपल होते हैं फंडामेंटल, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट लोकेट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। टू प्रिंसिपल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अर्थ शेप और एक्यूरेसी, प्लेन और जियोडेटिक, नेचर ऑफ फील्ड लैंड मैरीन एस्ट्रोनॉमिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग मिलिट्री माइन जियोलॉजिकल, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट चेन कंपास प्लेन टेबल थियोडोलाइट एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन मेथड ट्रायंगुलेशन एंड ट्रेवर्स। ये आपका क्लासिफिकेशन था। यूज ऑफ सर्वेइंग मैप और प्लान बनाने के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल टोपोग्राफी, कैडस्टर, इंजीनियरिंग मिलिट्री मैप्स। स्केल, जब हम किसी ग्राउंड की मेजरमेंट को किसी शीट पे हम ड्रॉ करते हैं तो एक स्केल हम चूज करते हैं, जो बिल्डिंग साइट्स के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाउन के लिए, जियोग्राफिकल के लिए। स्केल्स में एक टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो आपका यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 मीटर है, तो उसको 1/1000 का रेशियो को आरएफ हम बोलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल में प्लेन स्केल, डायगोनल, वर्नियर और स्केल ऑफ कॉर्ड। प्लेन स्केल में हम 2 यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, लाइक सेंटीमीटर एमएम, और डायगोनल में हम 3 यूनिट्स को कर सकते हैं। एग्जाम्पल था आपका प्लेन स्केल का ये, जिसे हमने 4 मीटर 6 डेसीमीटर हमने मेजर किया था। उसके बाद डायगोनल स्केल था, जो प्लेन स्केल का आपका एक ब्लॉक है, एक बार है, लीस्ट काउंट है, उसको भी अगर डायगोनली कट करके 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो हम थर्ड डिजिट को भी मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर एक एग्जांपल था कि कैसे हम 222 किलोमीटर को डायगोनल स्केल पे शो करें। यह आपका प्लेन स्केल है, इसी के एक ब्लॉक को, जो आपको दिखाई दे रहा है एक ब्लॉक रेड कलर का, इसी ब्लॉक को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डायगोनली, तो हमें 1 किलोमीटर का भी पॉइंट्स मिल गए। इससे हम 222 किलोमीटर भी शो कर सकते हैं। पहले हम 220 किलोमीटर तक कर पा रहे थे, तो डायगोनली लाइन खींच के हम 222 भी हम इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये यूज होता है फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए। इसका एक स्केल फिक्स होता है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, और एक होता है जो मूव कर सकता है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। अच्छा, जो आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक प्लेन स्केल है, आपके पास एक स्केल है, जैसे कि आप स्टेशनरी से लेते हो, ये स्केल है। ठीक है, इसके ऊपर आपका ये आपका है 1 सेंटीमीटर, मान लो यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है, और बीच में आपके 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप इसमें बता सकते हो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। कोई बताएगा कि इसमें हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं इस स्केल में? एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है, फिर वो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक भी 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो इसमें? कोई बताए मुझे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताओ। 1 mm मेजर कर सकते हैं, ये प्लेन स्केल हो गया। लेकिन अगर हमें 1 mm का भी फ्रैक्शन यानी कि 0.1 mm मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम वर्नियर स्केल का यूज होते हैं, और डायगोनल स्केल भी हम यूज कर सकते हैं कि किसी एक ब्लॉक का, एक सेकेंड, अगर मैं किसी एक ब्लॉक का, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को डायगोनली कट करके इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हम यहाँ पे थर्ड यूनिट यानी 0.1 mm भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जहां पर एरिया कम होता है, हमें स्केल, हम डायगोनल स्केल ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पे वर्नियर स्केल यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट पे वर्नियर स्केल ही लगा होता है, तो वर्नियर स्केल में हम डायगोनली कट ना करके एक और स्केल लेते हैं जो इसके ऊपर बना होता है। ठीक है, और उस स्केल के ऊपर भी अपनी मार्किंग होती है। अभी जो ऊपर ग्रीन वाला स्केल बना हुआ है, ये मूव कर सकता है, और नीचे वाला जो है मेन स्केल है, ये फिक्स है, ये फिक्स होता है। हाँ सर, वो स्लाइड चेंज, स्लाइड चेंज नहीं की मैंने अभी, चेंज हो गई, स्केल नहीं दिख रहा, स्केल नहीं दिख रहा, नहीं दिखा जो मैं लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा? नो सर, नो सर।
अब दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। अब ये मुझे लग रहा है कि स्क्रीन फुल करके नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैंने एक रेड कलर का स्केल बनाया है जो प्लेन स्केल है, जिसमें 0 से 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो आप, और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी किसी ने बताया कि 0.1 mm हम मेजर कर सकते हैं, सॉरी 1 mm जो नॉर्मल स्केल में होता है। अब इसको थर्ड यूनिट यानी कि 0.1 mm मेजर करने के लिए एक मेथड है हमारा डायगनल स्केल की। इसके एक ब्लॉक को डायगनली कट कर दें 10 पार्ट्स में तो हमें 0.1 mm मिल जाएगा। और दूसरा मेथड है वर्नियर स्केल का कि एक और हम स्केल इसके ऊपर बना दें और उसको मूव करके हम मेजर कर सकते हैं। तो उसको मूव करके कैसे हम थर्ड यूनिट को मेजर कर सकते हैं वो हम सीखेंगे आगे। यूज ऑफ वर्नियर स्केल, तो यूज ऑफ वर्नियर स्केल फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए हम इस स्केल का यूज करते हैं। जो भी आपके पास स्केल है उसमें जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट ब्लॉक, स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप मेजर कर सकते हो किसी स्केल पे। तो कोई आपके पास स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है अगर 1 mm है तो वर्नियर स्केल की हेल्प से आप लीस्ट काउंट को रिड्यूस कर सकते हो, 0.1 mm तक आप मेजर कर सकते हो। इसमें जो सेकंड पॉइंट है जो लिखा हुआ है एक्चुअल रीडिंग इज गिवन बाय, इसको अभी रहने दो, इसको आप आगे समझ जाओगे क्या है। आप मेरे को बताना जरा, मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है कुछ मैं राइट कर रहा हूँ तो? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। नो सर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं जरा व्हाइट बोर्ड देखता हूँ। व्हाइट बोर्ड आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है अब क्या, जिसपे मैं कुछ लिख रहा हूँ? राइटिंग भी दिखाई दे रही है? यस सर। सर पूरा ब्लैंक आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अभी आएगा, अब आएगा व्हाइट आएगा। हो सकता है नेटवर्क की थोड़ा आपका पीछे चल रही हो स्क्रीन कुछ सेकंड्स। जैसे ही आ जाए व्हाइट बोर्ड दिखे मुझे बताना। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब आप एक एक चीज ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक स्केल है, थोड़ा रफली ड्रॉइंग होगी। इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या आप ये देखिए कि इस स्केल के एक पार्ट है जिसमें आप 1 meter मेजर कर सकते हो, 0 से 1 meter। ठीक है, 0 से 1 meter से मेजर कर सकते हो, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। ये रहा, तो इसमें जो मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो, 0.1 meter है ना, ये टोटल है आपका 1 meter। और एक ब्लॉक को आप मेजर कर सकते हो 0.1 meter। ये आपका एक प्लेन स्केल। वर्नियर स्केल कैसे बनेगा कि हमारे पास वर्नियर स्केल में भी 3 type के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है आपका रेट्रोग्रेड, एक होता है आपका डबल। तो 3 तरह के आपके वर्नियर स्केल होते हैं। तो फर्स्ट स्केल है डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट स्केल को समझ गए, डायरेक्ट वर्नियर स्केल को, तो दो जो बाकी है वो सेम नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है तो आप समझ जाओगे। तो डायरेक्ट स्केल में क्या होता है कि जो आपका मेन स्केल है, फिक्स स्केल है, उसके ऊपर जो एक मूव होने वाला स्केल वर्नियर स्केल लगता है, उसकी डिवीजन में अगर उसकी डिवीजन n है तो वो n-1 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है, इसको दोबारा समझो, इसमें कितना डिवीजन है अभी? तो मेरे स्क्रीन नहीं हो रहा।
क्या नहीं हो रहा है? सिर्फ कुछ मेरा नहीं हो रहा है, कुछ शो कर रहा है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं रहा सर, शो नहीं हो रहा है। ओके यस सर, चलो मैं लिखता नहीं हूं, मैं पीपीटी से बताता हूं। आप पीपीटी दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, यस सर। सब गड़बड़ हो गया। अभी ये स्केल दिखाई दे रहा है? Yes, तो देखो मैं कुछ इस पे स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको ऐसी इमेज से समझना होगा, ठीक है? मेरा कर्सर देखना, वहाँ पे कर्सर पे फोकस रखना, ठीक है? ओके, आप ये देखो कि जो ऊपर वाला स्केल है वो मेन स्केल है, नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है। उसमें होता क्या है, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? अगर नंबर ऑफ डिवीजन को मैं n बोलूं तो n बराबर कितना हो गया मेन स्केल में? 10, क्योंकि उसके दो यूनिट्स के बीच में, एक यूनिट के बीच में, एक ब्लॉक के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड है, जिससे हम एक छोटी यूनिट को मेजर कर सकते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको मान लो 10 पार्ट्स में डिवाइड है ये, तो जो लीस्ट काउंट हो गया इसका 0.1 सेंटीमीटर हो गया, या 1 mm हो गया। अब वर्नियर स्केल क्या करता है कि हमें एक ऐसा स्केल ड्रॉ करो जिसमें उसकी जो लेंथ हो वो n माइनस 1 हो, ठीक है? यानी कि अगर आपका 0 से 10 आपका मेन स्केल है, तो 0 से 9 क्या होगा? वर्नियर स्केल। अभी भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा सर। रुको, फिर एक सेकंड रुको, मैं जरा एक इमेज गूगल से निकालता हूँ, उससे समझाता हूँ। अब आपको इमेज दिखाई दे रही है एक? यस सर। ठीक है, आप इसमें देखो, इसमें देखो जो नीचे वाला स्केल है वो मेन स्केल है 0 से 10, और ऊपर वाला स्केल भी 0 से 10 है। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? नीचे वाले स्केल में जो है डिवीजन वो 10 है, ऊपर वाले में भी 10 है, बट ऊपर वाले को अगर हम एन माने, नंबर ऑफ डिवीजन एन, तो वो किसके इक्वल है? एन माइनस वन के नीचे वाले स्केल के, यानी कि नीचे वाले 9 डिवीजन के बराबर ऊपर वाले 10 डिवीजन है, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं 0 से 10 इसको मानूं कि ये 10 है और एक एक ब्लॉक एक एक एमएम या एक एक सेंटीमीटर का है, और ये 0 से 10 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है मेन स्केल में, तो ऊपर वाले का आप एक ब्लॉक बता सकते हो? एक ब्लॉक का साइज क्या होगा, कोई बताए मुझे? जो ऊपर वाला स्केल है उसका एक छोटा ब्लॉक है, उसका साइज क्या होगा अगर नीचे वाले के बड़े एक छोटे ब्लॉक का 1 सेंटीमीटर है साइज? 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 होगा, है ना? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो है 9 के बराबर है, वो 9 सेंटीमीटर उसको डिवाइड किया हुआ 10 पार्ट में, है ना? तो अब ये बता सकता है कोई, जो फर्स्ट ब्लॉक है 0 0 के पास जो छोटे वाले फर्स्ट ब्लॉक है, दो ब्लॉक, एक नीचे वाले मेन स्केल का, एक बड़े वाले मेन स्केल, छोटे वाले मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल का, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्पेसिंग है, डिफरेंस है, वो कितना होगा? 0.1। 0.1,
तो आप नीचे वाले स्केल में मेन स्केल में कितना मेजर कर सकते थे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर वाले स्केल में कितना मेजर कर सकते थे 0.9 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल गया एक बार 0.1 सेंटीमीटर का, तो थर्ड यूनिट आ गई ना। तो इसी तरह से हम वर्नियर स्केल में थर्ड फ्रैक्शन को, थर्ड यूनिट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले स्केल को मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं ये आप देखो, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो इसमें आप, ये सेकंड स्लाइड भी दिखाई दे रही है डायरेक्ट वर्नियर, देखो इसमें अगर मैं इन दोनों स्केल की लेंथ को इक्वल रखूं तो V है आपका वर्नियर स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन, और ये इससे V से पहले N ही बना हुआ है, ठीक है, तो N है नंबर ऑफ डिवीजन, तो लेंथ स्केल की क्या हो गई N इनटू V। क्या गड़बड़ हो रही है यार, आ रही है सर, अब आ रही है ना, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ अगर ऊपर वाला जो वर्नियर स्केल है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन n है और स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू v है तो लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ डिवीजन n और लेंथ स्मॉलेस्ट जो बार है उसकी लेंथ है nv, nv हो गई, ठीक है। अगर उसको इक्वल रखें हम नीचे वाले मेन स्केल के, तो मेन स्केल के डिवीजन कितने होंगे, n थोड़ी ना होंगे, n माइनस वन होगा, n माइनस वन होगा, और s क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई हम पे nv इज इक्वल टू n माइनस वन s, s है स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन ऑफ मेन स्केल और v है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एक इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। अब lc का मतलब होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन किसी भी स्केल पे, ठीक है। मेन स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है s, वर्नियर स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है v, लेकिन अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा लीस्ट काउंट पूरे स्केल का, जैसे कि मैंने बताया था 0.1 आ गया था आपका, ऊपर के ब्लॉक और नीचे ब्लॉक को माइनस करके जो स्पेसिंग मिली थी हमें 0.1 थी। तो किसी भी स्केल का वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, दोनों के स्मॉलेस्ट डिवीजन को सबट्रैक्शन, और ऊपर वाली जो इक्वेशन बनी थी उससे हम एस या वी की वैल्यू निकाल के हम इसमें रख देंगे तो कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट एस बाय एन होता है। दोबारा से s होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मान लीजिए अगर मेन स्केल आपका 1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है, ठीक है, और n है आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल, यानी कि आपका क्या है वो आपका 0.9, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 0.1 जो भी आपका लीस्ट काउंट है वो निकल के आ जाएगा। अब ये वाला स्केल आपने कभी देखा है अपने लैब में, क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर, तो ये वर्नियर स्केल की तरह काम करता है, नीचे वाला स्केल मूव होता है और ऊपर वाला फिक्स रहता है, और इन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको मेजर करते हैं। अभी इन्होंने एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 11.7 mm मेजरमेंट है, लेकिन उसको देखा कैसे, तो देखो 11.7 मेजर कैसे किया, जो ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे वाले का जो जीरो है वो 11 के बाद जीरो कहीं दो के बीच में आ रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है जीरो, ठीक है, है ना, जो नीचे वाला मोए स्केल है उसका जो जीरो है वो 11 और 12 के बीच में आ रहा है। तो हम ये मान के चलें कि जो ऑब्जेक्ट है वो 11 mm तो है, और 11 mm से कितना ज्यादा है वो हमें मेजर करना है, ठीक है, तो 11 mm तो हो गया, अब उसमें कितना और ऐड करना है, फिर आपको देखना होता है कि नीचे वाला और ऊपर वाले स्केल का कौन सा बार कॉन्साइड कर रहा है एग्जैक्ट, तो कौन सा बार एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा है, सेवंथ बार नीचे वाले का, आपको पता चल गया सेवंथ बार है, तो 0.7 उसमें ऐड कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो 11.7 है। लेकिन अगर नीचे वाला मूव करने वाला स्केल नहीं होता हमारे पास और हम ऑब्जेक्ट केवल इसी स्केल पे रखते तो हम 11 point something करके ऑटो अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट ले लेते 7, 11.6 या 7 या 8 या 9, ठीक है, क्योंकि इसमें 11, 12, 13 इस तरह से ही मेजर कर सकता है मेन स्केल में। लेकिन एक वर्नियर स्केल ऐड कर दिया इसको मूव करके हमने 11.7 तक हम उसको मेजर कर सकते हैं,
ठीक है, समझ में आया ये? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ सर। हाँ आपको, अच्छा एक डाउट ये आ रहा होगा, अभी पेन वर्क नहीं कर रहा था, बताया था कि 0.7 जो है वो तो बहुत आगे आ रहा है, ऑब्जेक्ट जहाँ मेजर किया हमने, तो हमने 0.7 क्यों लिया, है ना? यस सर। देख ऊपर वाले बार और नीचे वाले बार में जो था नंबर ऑफ डिवीजन का डिफरेंस था, तो अगर ऊपर वाले नीचे वाले बार के बीच का डिफरेंस देखे तो 0.1 था। जो 7 कोइंसाइड कर रहा है ना, 7 कोइंसाइड, उसके बाद वाला जो ब्लॉक है ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक में 0.1 का डिफरेंस है, और जैसे ही हम है ना ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे आ रहा है, तो लास्ट में जो बचता है जीरो, जीरो से इधर वाला ऊपर वाले बार के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.7 mm बचता है। इस तरह से 0.7 mm हमने ले लिया। जो आप देख रहे हो जीरो के ऊपर रेड एरो है, और रेड एरो के बाद जो आपका ब्लू कलर के एक लाइन है मेन स्केल के, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.7 आ रहा है, क्योंकि जहां पे 7 7 कोइंसाइड कर रहा है ना, वहां से 0.1 होते होते हमारा वहां पे जो डिफरेंस बचा है 0.7 बचा है, तो हमें पता चल गया 0.7 वहां पे डिफरेंस है, तो टोटल जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी 11.7 आ गई। ठीक है ठीक है, कभी बोर्ड बोर्ड काम करेगा, बोर्ड को हम दोबारा देखेंगे तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट है आपका वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि आपने आपने जो लिया था वन ईयर स्केल वो एन माइनस वन लिया था, लेकिन इस बार आपको लेना होगा वो एन प्लस वन, यानी कि एक ब्लॉक ज्यादा होगा, फिर वही सेम इक्वेशन वही एल सी आप निकालेंगे तो एस बाय एन इसमें आ जाएगा। ठीक है, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल सेम है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है जो आपका क्या कहते हैं डायरेक्ट स्केल है उसमें क्या होता है, मेन स्केल एन माइनस वन डिवीजन इक्वल होता है वर्नियर के, इसमें क्या है एन प्लस वन डिवीजन होता है। ठीक है, वही कैलकुलेशन वही लेंथ ऑफ द स्केल आप निकालेंगे और उससे एल सी निकल जाएगा बी माइनस एस करके। ठीक है, अभी आपका 0.9 देख पा रहे थे ऊपर वाले वर्नियर स्केल में, अब क्या होगा 1.1 देख पाओगे, और डिफरेंस क्या होगा दोनों के स्केल में, वही 0.1 होगा। ठीक है, जो डायरेक्ट में आपका जो वर्नियर स्केल है उसमें लीस्ट काउंट 0.9 था, लेकिन अब जब रेट्रोग्रेड में जाओगे तो उसमें जो वर्नियर स्केल का डिफरेंस होगा वो 1.1 mm होगा, क्योंकि 11 हो जाएंगे वहां पे नंबर ऑफ डिविजन। ठीक है, अब आता है आपका एरर एंड मिस्टेक्स। एरर मिस्टेक में डिफरेंस है, अभी मिस्टेक को हम नहीं डिस्कस करेंगे, एरर को डिस्कस करेंगे। तो एरर क्या हो सकता है किसी भी आपके स्केल में, कि आपने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया है। ठीक है, तो एरिया निकालते वक्त और लेंथ निकालते वक्त दोनों में ही एरर आ सकता है, जैसे कि किसी एक को मैं बोलता हूँ, जैसे कि आपका ये है आपका अंकित जो है, इसको मैंने कहा कि अंकित रोड के बीच में पॉइंट मेजर करो, तो अंकित ने ए और बी के बीच में पॉइंट मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चेन हो सकती है, टेप हो सकती है, ए और बी के बीच में रोड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर मेजर किया, वो आ रहा है आपका 10 meters। अब मैंने कहा कि इस 10 meters को आप पेपर पे ड्रॉ करो, यूज करना है वो यूज करना है 1 centimeter = 1 meter, 1 centimeter = 2 meter, तो पेपर पे अंकित कितनी लाइन ड्रॉ कर, जरा कोई बताओ। अंकित बताओ, सर डिस्टेंस के 1 centimeter = 1 meter आपकी ग्राउंड की जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में 10 meters है, और स्केल जो है आपके पास 1 centimeter = 1 meter है, तो आप पेपर पे उस 10 meters को कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करके शो करोगे? 10 centimeter। करेक्ट, 10 centimeter आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, वहां पे स्केल भी लिख दोगे 1 centimeter = 1 meter, तो कोई भी बंदा उस लाइन को देख के समझ जाएगा कि रोड की लंबाई 10 meters है। ठीक है, यहाँ पे बट क्या हुआ कि मैंने बोला था 1 centimeter = 2 meter, लेकिन तुमने सुना 1 centimeter = 1 meter। ठीक है, सुनने में गलती हो गई, तो जो आपने स्केल यूज किया था वो इनकरेक्ट था। करेक्ट स्केल क्या था आपका? 1 centimeter = 2 meter, यानी कि आपको 5 centimeter। यस सर, लेंथ कैसे निकालें? उसका फॉर्मूला दिया हुआ है
कि सबसे पहले रॉन्ग स्केल का आरएफ आपको निकालना है, उसको डिवाइड करना है आपको करेक्ट स्केल का आरएफ और मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ। अभी देखो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट लेंथ कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर = 2 मीटर। तो आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल क्या था 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो इसका आरएफ क्या होगा 1/100, ठीक है। आरएफ ऐसे निकालते हैं और करेक्ट स्केल का आरएफ क्या होगा 1/200। जब 1/100 को 1/200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, ठीक है। जब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई और मेजर लेंथ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी मेजर लेंथ जो है आपकी वो हो जाएगी आपकी 10 मीटर जो ग्राउंड पे मेजर की है। और ये दोनों का आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल क्या आ रहा है 2, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट लेंथ जो ग्राउंड पे होनी चाहिए थी वो होगी 20 मीटर, क्योंकि आपने स्केल ही रॉन्ग किया था तो आपकी मेजरमेंट ही रॉन्ग हो गई। सेम एज एरिया आपको इसी की तरह करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उससे और करेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक सर्वेयर है, वन सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन प्लान। अभी ये किस पे मेजर कर रहा है, प्लान पे, पेपर पे मेजर कर रहा है विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर = 40 मीटर, ठीक है। ये स्केल उसने यूज किया और पेपर पे जो लाइन है उसको उसने मेजर किया, मेजर करके स्केल से कन्वर्ट करके उसको मीटर में निकल के आया 468 मीटर। दोबारा से उसको समझते हैं, एक पेपर है, मैप है, मैप पे एक लाइन है, उस लाइन को आपने मेजर किया स्केल से, स्केल से मेजर करने के बाद उसको कन्वर्ट किया, जो स्केल लिया हुआ आपने 1 सेंटीमीटर = 40 यानी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो निकल के आया 468। तो आपने कहा कि जो ग्राउंड पे जो लेंथ है वो 468 मीटर है उस रोड की, ठीक है। लेकिन बाद में आपको पता चला कि स्केल मैंने 140 का यूज किया था, लेकिन स्केल जो करेक्ट स्केल है वो 120 सेंटीमीटर है। तो वो जो ग्राउंड पे आपने कहा था ना कि रोड की लंबाई 468 मीटर है, वो 468 नहीं है, कुछ और है। तो कैसे निकालेंगे, मेजर लेंथ कितनी है आपकी 468, आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल कितना है 1/2000, आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल क्या है 1.4000, तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगी 936 मीटर, ठीक है। जो आप रोड पे पहले जिस रोड को आप बता रहे थे कि 468 मीटर की है, वो अब रोड कितने की है 936 की ही करेक्ट है, ठीक है। आपका स्केल जो था 1 सेंटीमीटर = 40 मीटर, तो बाय मिस्टेक लिए आपने क्या यूज कर लिया 1 सेंटीमीटर = 20 मीटर। कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो किसी सर 20 सेंटीमीटर है। हाँ सर 20 सेंटीमीटर में, हाँ जो करेक्ट स्केल है वो आपका 40 है, लेकिन आपने मेजर किस में कर लिया 120 में। सर वो ऊपर 40 मीटर है, नीचे 20 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ तो सर वो यूनिट चेंज हो गई। हाँ ये हाँ नो इसमें न्यूमेरिकल में गलती है, वो 20 मीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर = क्या होगा आपका मीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल में इसमें गलती है। तो दोबारा से इसको एक बार हम करते हैं कि मान लीजिए दो लोगों का नाम ले लेता हूँ मैं, हर्ष और मयंक, ठीक है। हर्ष ने, हर्ष को एक मैप दिया गया और उस मैप में कहा क्या कि ए और पॉइंट बी के बीच में एक लाइन है, उसको मेजर करके बताओ कि उस रोड की एक्चुअल में लेंथ कितनी है ग्राउंड पे। तो हर्ट्ज को यूज करना था 1 सेंटीमीटर = 40 मीटर, बाय मिस्टेकली उसने 1 सेंटीमीटर = 20 मीटर मेजर कर लिया, स्केल यूज करके उस लाइन को ड्रॉ किया और ये हमको बताया कि जो रोड है ग्राउंड पे उसकी लेंथ है 468 मीटर, ठीक है। फिर मयंक आया, मयंक ने देखा कि इसने स्केल रॉन्ग कर लिया यूज, एक्चुअल में जो करेक्ट स्केल है वो 1 सेंटीमीटर = 40 मीटर है, ठीक है। यानी कि अब जो एस्टिमेशन निकाली होगी रोड बनाने के लिए, वो 468 मीटर की रोड बनाने के लिए पैसे निकाल लिया होगा कॉस्ट बजट, पर वो एक्चुअल में इतना नहीं है। उसने जब ये फॉर्मूला लगाया तो करेक्ट लेंथ जो निकल के आई वो 936 मीटर निकल के आई। तो केवल रोड पे बिना जाए हमने एक प्लान और एक मैप पे ही हमने ड्रॉ कर लिया है, हमने पता कर लिया है कि रोड की लंबाई क्या है। लेकिन जब मैप पे हम किसी चीज को हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां, मिस्टेक हो सकती हैं, एरर हो सकती हैं। तो पहला एरर बहुत टाइप के भी आगे आएंगे। पहला एरर क्या है आपका कि आपने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया, एक तो ये आपका पहली आपका एरर हो गया, ठीक है। और आगे जाके नेक्स्ट एरर आएंगे, नेक्स्ट एरर देखते हैं श्रंक स्केल।
यानी कि जो शीट है एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से जो मैप है वो श्रिंक हो गया है। अब मान लो उस मैप पे एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की 10 साल पहले, 10 साल बाद आपने मेजर करी तो 9.8 सेंटीमीटर हो गई, 0.2 सेंटीमीटर श्रिंक हो गया वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन की वजह से, तो वो तो एरर आ गया ना आपके स्केल आपके मैप में। तो उसको कैसे करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि जो आप 9.8 सेंटीमीटर आप मेजर कर रहे हो और स्केल ले रहे हो 10 साल पुराना, तो आपको 10 साल पुराना स्केल नहीं लेना, आपको श्रंक स्केल की वजह श्रंक होने की वजह से मैप आपको एक श्रंक स्केल निकालना है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है आपका क्या है, श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर माइनस ओरिजिनल स्केल जो 10 साल पहले था, ठीक है। अब श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालना है वो समझते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से, लेकिन दोबारा से एक बार मैं बताता हूँ। एक मैप है जिसपे ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, एग्जांपल के तौर पे स्केल जो आप यूज कर रहे हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर 10 साल पहले, उस पे लिखा हुआ है पेपर पे, 10 साल पहले वो पेपर बना था, मैप बना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। 10 साल बाद आपने उस लाइन को मेजर किया तो 9.8 आया, इसका मतलब 980 मीटर। आपने कहा भी रोड की जो लेंथ है वो 980 मीटर है मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन 10 साल पहले मेजर करते जब वो श्रिंक नहीं हुआ था तो उस लेंथ की जो रोड की जो लेंथ थी वो 1000 मीटर थी। तो ये जो डिफरेंस आया है बाद, तो हमें कैसे पता चलेगा पुराना मैप है, तो हम उसको श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकाले। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या है, पहले इस फॉर्मूले को इसको न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, जो स्केल है पुराना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है, उससे एक एरिया मेजर किया आपने मैप में 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा कुछ, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही, दिख रही है सर, अच्छा दिख रही है। तो जिसको नहीं दिख रही उसका रीजन ये, कौन किसको नहीं दिखाई दे रही, अपना नाम बताओ जरा। सर प्रसाद अब दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही, चलो आप सुन लो क्योंकि बहुत लोगों को दिखाई दे रही है, इसको सॉल्व करेंगे बाद में, देखेंगे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रही, कुछ को दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पास एक प्लान एक मैप है जिसपे लिखा हुआ है कि वो मैप जो ड्रॉ किया गया है वो उसमें स्केल क्या यूज किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और आपने 10 साल बाद या कुछ सालों बाद जब उस पे एक एरिया मेजर किया तो 100.2 सेंटीमीटर आ रहा है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन 10 साल बाद आपका जो स्केल है वो श्रंक हो चुका है, ठीक है। तो ना उस पे जो ओरिजिनल लाइन एक 10 सेंटीमीटर खींची हुई थी वो आज क्या दिखाई दे रही है, 9.7 सेंटीमीटर। तो अब जो एरिया 100.2 हमने आज कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में कितना है वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना है। श्रिंकेज फैक्टर के लिए जो आज एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप मेजर कर रहे हो 9.7 और जो पहले थी उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये कैसे पता चला कि उस लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी 10 साल पहले, क्योंकि जब भी हम कोई मैप बनाते हैं तो उस मैप में कॉर्नर पे हम एक लाइन खींच देते हैं और उसकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो लिख देते हैं, तो उसे मेजर करने की जरूरत नहीं होती, हमें लिखा हुआ है वहां पे कि इस लेंथ की जो इस लाइन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 साल बाद जब हमने मेजर करके देखा हो तो 9.7 आ रही है, यानी कि 0.3 कुछ श्रिंक हुआ है, ठीक है। तो जो 9.7 आज आ रही है और जो पहले 10 सेंटीमीटर थी उनके रेशियो को हम बोलेंगे श्रिंकेज फैक्टर। फिर इस श्रिंकेज फैक्टर का आप निकाल लोगे आर एफ, सॉरी जो ट्रू स्केल है 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर उसका आर एफ निकाल लोगे। अब आपको निकालना है श्रंक स्केल, तो श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर एफ ऑफ ओरिजिनल स्केल, तो श्रिंकेज फैक्टर आपका श्रिंकेज स्केल आ गया 1/10030.93, ठीक है। अब ओरिजिनल एरिया आपको निकालना है, तो जो आपका ये आपका प्रेजेंट एरिया प्रेजेंट लेंथ जो 9.7 सेंटीमीटर है जो इक्विवेलेंट है 10 सेंटीमीटर के ओरिजिनल लेंथ के, और जो प्रेजेंट एरिया है 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर उसको निकालना है, तो आपको इस रेशियो को स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई बाय 100.2 कर देना, तो जो एक्चुअल में ओरिजिनल एरिया है आज के टाइम पे वो 106.49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्केल ओरिजिनल वाला ले लो आप और उससे कन्वर्ट करके आपको ग्राउंड पे लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको
निकालते हैं तो अभी टाइम क्या हुआ है आपका 9:37। अभी जो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है आपकी वो है कि आपको पेन का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही व्हाइट बोर्ड दिखाई दिया। व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रहा था वो दिखाई दे रहा था? नो सर, नो सर। और जो मैं पीपीटी के ऊपर पेन से लिख रहा था वो भी नहीं दिखाई दे रहा था, है ना? नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर है मेरा, तो इसको हम यहीं पे अभी फिनिश करते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जिसने ओलंपस पे जिसकी आईडी नहीं बनी है वो मेरे को बता दो कंफर्म करके व्हाट्सएप पे पर्सनली कि मेरी नहीं बनी है। मैंने जो एक लिंक भेजा था ओलंपस का ग्रुप पर, उस पर क्लिक करके आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, क्योंकि हो सकता है आपकी क्लास या टेस्ट हम ओलंपस पे लें तो वहाँ पे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे को कन्फर्म करके बता देना। ठीक है, क्लास को यहीं पर हम लीव कर रहे हैं। और मैं एक बुक आपको सॉफ्ट ग्रुप पे भेजूंगा, आप उसमें से थोड़ा पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अभी लीव मत करना जरा, मैं अटेंडेंस ले लूं। ओके सर।